أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ये स्क्रीन सबको साफ नजर आ रही है ना? कोई मसला तो नहीं है इंशाल्लाह? ये पहले इन आयत का हम लफ्जी तर्जुमा देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, मसलुहुम, मसलुहुम दो अल्फाज है, एक है मसल और एक है हुम। मसल का मतलब होता है मिसाल, एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल। हुम का मतलब उनकी, देयर, ठीक है। मैंने बताया था हुम अगर शिरों में आ जाए इसका मतलब होता है वो सब, ठीक है, लेकिन अगर हम आखिर में आ जाए तो इसका मतलब होता है उनका, उनकी, उन सब की, इस तरह ये तर्जुमा आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेशन इसका करेंगे फिर। मसलुहुम उनकी मिसाल, का मसल, काफ का मतलब होता है, मैं बता चुका हूं, ये भी दो अल्फाज है यहाँ पे, एक काफ है और एक है मसल। मसल का मतलब होता है जैसे, मिसाल, मसल का मतलब क्या है, मिसाल, और काफ का मतलब होता है, काफ मुशाबहत के लिए आती है, जैसे मिसाल उसकी, जैसे के लिए आता है काफ, किसके लिए आता है, जैसे। मसलन उनकी मिसाल का मसली उन लोगों की तरह है, उन लोगों की मिसाल की तरह है, मुनाफिकीन की बात कर रहे हैं। मसलुहुम यानी उनकी मिसाल, मुनाफिकीन की मिसाल जो है, का मसली उन लोगों की तरह है, उन लोगों की मिसाल की तरह है। तो ये की तरह का मतलब जो हम करते हैं ये काफ का मतलब है, की तरह का मतलब जो हम करते हैं ये काफ का मतलब है, ठीक है। अल्लज़ी जो के इस्तौक़दा,
इस तौकद का मतलब होता है जलाना। इस तौकद इसका मतलब क्या होता है? जलाना। इस तौकद का मतलब क्या है? जलाना। इंग्लिश में इसको कहते हैं किंडल, किंडल अ फायर। ठीक है, इस तौकद नारा का मतलब हो गया जलाना। नार आग को कहते हैं। नार किसे कहते हैं? आग को। उसने जलाई नारा आग को। फलम्मा बस जब, यहां पे दो अल्फाज है, एक है फा और एक है लम्मा। एक है फा और एक है लम्मा। फलम्मा, फा का मतलब होता है पस, ठीक है। लम्मा जब, लम्मा का मतलब क्या है? जब। अजाअत, अजाअत का मतलब होता है रोशन कर देना। अजाअत का मतलब क्या है? रोशन कर देना, इल्यूमिनेट कर देना। मा हौलहू, मा हौल जो है यहां पे तीन अल्फाज है। मा हौल में क्या है? तीन अल्फाज है। एक माँ है, इसका मतलब जो कुछ, पहले बता चुका हूं, ठीक है, जो कुछ। एक लफ्ज है हाउल, हाउल का मतलब होता है अराउंड, इर्द गिर्द। हाउल का मतलब क्या होता है? इर्द गिर्द। ये आवाज साफ आ रही है? बाज लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, जरा जल्दी रिप्लाई करें, आवाज आ रही है? जी, आवाज के बारे में मुझे जरा बता दें कि आवाज आ रही है साफ यानी। अच्छा, तो ये मा हौलहू में तीन अल्फाज है। एक लफ्ज मा है, इसका मतलब होता है जो कुछ, जो चीजें, ठीक है। एक है हौल, आस पास को कहते हैं, इर्द गिर्द, आस पास, अराउंड, ठीक है। एक हु है, हु का मतलब होता है उसके या उसके, ठीक है। तो माहौलहू, फलम्मा पस जब, अजाअत उसने रोशन कर दिया, आग ने यानी रोशन कर दिया। माहौलहू उसके आसपास को, उसके इर्द गिर्द को, यानी उसके आसपास अराउंड में जो चीजें हैं उनको रोशन कर दिया, इल्यूमिनेट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? जहाबा। ये जहाबा का मतलब वैसे होता है नॉर्मली, जब आप अरबिक पढ़ते हैं, अरबिक डिक्शनरी में जहाबा का मतलब देखते हैं, तो इसका मतलब होता है जाना। जहाबा मुहम्मदुन, मुहम्मद चला गया, ठीक है। जहाबा अहमद, अहमद चला गया, ये नॉर्मली इसका मतलब है। लेकिन जब इसके बाद बा आ जाती है, इसके बाद क्या आ जाती है? बा आ जाती है। यहां पे देख रहे, जहाबल्लाहु बी नूरिहिम, जहाबल्लाहु बिनूरिहिम, तब इसका मतलब तब्दील हो जाता है। जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेपोजिशन तब्दील होने से मीनिंग्स जो है तब्दील हो जाती है, इसी तरह अरबिक में भी होता है कि जब अरबिक में प्रेपोजिशन तब्दील हो जाए, अरबिक में सिला कहते हैं प्रेपोजिशन वगैरह जो है ना, एक वो हरूफ इजारा होते हैं उनको सिला कहते हैं, तो अगर वो तब्दील हो जाए तो मतलब भी लफ्ज का तब्दील हो जाता है। जहाबा का मतलब होता है जाना, चले जाना, लेकिन जब इसके बाद बा आ जाती है का मतलब होता है ले जाना, खत्म कर देना। जहबा, जहबल्लाहु बिनूरिहिम, इसका मतलब हो जाएगा ले गया अल्लाह। बिनूरिहिम, बी नूरिहिम, नूर का मतलब होता है रोशनी, हिम उनकी, तो अल्लाह ताला ले गया उनकी रोशनी को, यानी उनकी बीनाई जो है, देखने की जो सलाहियत है उनकी, वो क्या कर दी अल्लाह ताला ने? खत्म कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी देखने की सलाहियत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जी, आगे देखें। वतरकहुम, वाव का मतलब मैंने आपको बताया, वाव का मतलब क्या है? और तरका, छोड़ दिया। तरह का मतलब क्या है? छोड़ दिया, लीव देम, ठीक है। हुम का मतलब होता है उनको या उन्हें, ठीक है। और अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया। फी का मतलब होता है मैं, ठीक है। गुलुमातिन,
अंधेरों के अंधेरों में, जुलुमातिन, जुलुमात के बारे में मैंने बताया था कि ये जुल्मतुन की जमा है, ठीक है। जुल्म एक अंधेरे को कहते हैं, जुलुमात बहुत ज्यादा अंधेरे, ठीक है, लेयर ऑफ डार्कनेस। तो जुलुमातिन लेयर ऑफ डार्कनेस, तो फिर जुलुमातिन और उनको छोड़ दिया, फिर जुलुमातिन अंधेरों में, ला युब सिरून, ला युब सिरून वो नहीं देख सकते, ला युब सिरून वो नहीं देखते, दे सी नथिंग, ठीक है। तो अब इसका तर्जुमा दोबारा देख लेते हैं, लफ्जी मतलब समझ में आ गया होगा, दोबारा देख ले। मसलुहुम उनकी मिसाल, कमसलिल्लजी उन लोगों की मिसाल की तरह है, मसलुहुम उनकी मिसाल, किनकी मिसाल, मुनाफिकीन की, मुनाफिकीन की बात हो रही थी पहले, तो मसलुहुम उनकी मिसाल, कमसलिल्लजी उन लोगों के मिसाल की तरह है, इस्तौकद नारा कि उसने आग जलाई, इस्तौकद उसने जलाई रोशन की, नारा आग, फलम्मा पस जब, अजाअत उस आग ने रोशन कर दिया, इल्यूमिनेट कर दिया, मा हौलहू उसके इर्द गिर्द को, उसके आसपास को, ज़हबल्लाहु तो अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, या अल्लाह ताला लेके चला गया, बिनूरिहिम उनकी रोशनी को, अल्लाह ताला ने बुझा दिया उनकी रोशनी को, खत्म कर दिया, ठीक है। तो जहाब के बाद जब बा आ जाती है तो इसका मतलब होता है टेक अवे, ले जाना, ठीक है। जहाब अल्लाह बिनूरिहिम तो अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी को खत्म कर दिया, वतरकहुम और उनको छोड़ दिया, फी जुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून बस वो नहीं देखते, ऐसी अंधेरों में कि वो अब वो नहीं देखते, ठीक है। सुम्मुम, सुम्मुम इसका मतलब होता है बहरा, जो कोई चीज सुन ना सकता हो, ठीक है। डेफ, बुकम उनका मतलब होता है गूंगा, गूंगे, ठीक है। उमी उनका मतलब होता है अंधा, कि कोई चीज देख ना सकता हो। सुम्मुन असल में ये जमा है असम्मु की, असम्मु वाहिद है यानी एक बंदे के लिए इस्तेमाल होता है गूंगा, असम्मु उसके बहरा, उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है असम्मु, सुम्मु का मतलब होता है सुम्मुम बहुत ज्यादा यानी कई गूंगे बहरे हैं, ठीक है। बुकमुन ये जमा है अब कम वाहिद है, वाहिद का मतलब होता है एक, जमा का मतलब होता है दो से ज्यादा, ठीक है। उमयुन ये जमा है और आमा ये इसका वाहिद है। तो आपने तकरीबन 6 अल्फाज सीख लिए, सुमुन इसका मतलब होता है बहरे यानी जमा, असमुन इसका मतलब होता है बहरा एक बंदा, बुकमन का मतलब होता है गूंगा, ठीक है, और अबकम का मतलब होता है एक गूंगा, बुकमन कई गूंगे, उमियन का मतलब होता है अंधे, आमा का मतलब होता है एक अंधा, ब्लाइंड, ठीक है। बुकमन का मतलब होता है डम्प। फहुम, अब यहाँ पे फहुम, यहाँ पे 2 अल्फाज हो गए, एक फा है और एक हुम है, ठीक है। आगे ला यरजिउन वो वापस नहीं लौटेंगे, ला यरजिउन आगे है अगले सफे पे, तो इसका मतलब होता है सुम्मुन, ये जो अभी हमने बात की मुनाफिकीन के कि ये बहरे हैं, बुकमुन ये गूंगे हैं, उमयुन और ये अंधे हैं, फहुम ला यरजिउन तो ये वापस नहीं लौटेंगे, फहुम ला यरजिउन का मतलब क्या है, तो ये वापस नहीं लौटेंगे यानी कुफर से ईमान की तरफ ये वापस नहीं लौटेंगे। आप सबसे गुजारिश है कैमरे आपने ऑफ रखने हैं, कैमरे ऑन नहीं रखने, ठीक है। कैमरे आपने ऑफ ही रखने हैं, ऑन नहीं करने। तो सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिउन इसका मतलब होता है कि वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, उमयुन वो अंधे हैं, फहुम ला यरजिउन बस वो वापस नहीं लौटेंगे, ठीक है, वापस नहीं आएंगे यानी कुफर से ईमान की तरफ वापस नहीं आएंगे। औ, औ का मतलब होता है या, औ का मतलब होता है या, कसयिबिन, कसयिबिन
यहां पे जो लफ्ज दो अल्फाज है, एक है सैयब और एक है काफ। यहां पे कितने अल्फाज है? दो है, एक काफ है यहां पे ये और एक है सैयब। काफ का मतलब होता है जैसे, काफ का मतलब क्या है? जैसे, पहले में जो कमसल में जो है वही ये काफ भी है। ये मुशाबहत के लिए आते, एक हालत को दूसरी हालत के साथ, एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के साथ सिमिलर करने के लिए ये काफ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सैयब का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, रेन स्टॉर्म, बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसको क्या कहते हैं? सैयब। मीन का मतलब होता है से असमा, आसमान से। फी ही दो अल्फाज है, एक फी है इसका मतलब होता है में, और एक ही है इसका मतलब होता है इस। जुलुमातुन अंधेरे पहले पढ़ चुके हैं। वराअदुन और गरज, वराअदुन का मतलब क्या है? गरज, ठीक है। थंडर जिसे कहते हैं, वबरकुन और चमक, बिजली की चमक को जो कहते हैं ना, जब बारिश हो रही होती है जो चमक हमें नजर आती है उसे क्या कहते हैं? बर्क। यजअलूना, यजअलून का मतलब होता है वो डालते हैं, यजअलूना का मतलब क्या होता है? वो डालते हैं। असाबिया, ये दो अल्फाज, एक असाबिया और एक हुम है। असाबिया ये जमा है इसबा की, उंगली को कहते हैं असाबिया, ये क्या है? जमा है, और इसबा वाहिद है, इसका मतलब होता है उंगलियां। हम अपनी, वो डालते हैं अपनी उंगलियां। फी आजान हिम, फी का मतलब होता है मैं, आजान उजुन की जमा है, आजान क्या है? उजुन की जमा है, कानों को बोलते हैं। हिम अपने कानों में। मिनस सवाइक, मिन का मतलब होता है से, अस्सवाइक बिजली की कड़क, बिजली की जो कड़कने की आवाज आती है बारिश में उसे क्या कहते हैं? सवाइक, सवाइक साइका की जमा है, ठीक है। हज़र खौफ को कहते हैं, हज़र किसे कहते हैं? खौफ को। अलमौत का मतलब होता है मौत ही, हज़र अलमौत, मौत की डर से, मौत के खौफ से। वल्लाहु और अल्लाह ताला मुहीतुन, इहाता करने वाला है, घेरने वाला है, कवर करने वाला है उनको, ठीक है। बिल काफिरीन, तमाम काफिरों को, ठीक है। तर्जुमा देखें इसका, औ कसयिब मिन समा, या उन काफी मुनाफिकीन की मिसाल जो है मौसलाधार बारिश की तरह है, या उनकी मिसाल मौसलाधार बारिश की तरह है जो आसमान से होती है। फीही ज़ुलुमातुन, बारिश में उसमें क्या होती है? अंधेरी, अंधेरा होता है। वराअदुन, गरज भी होती है। वबरकुन, और चमक भी होती है। यजअलूना, वो डालती हैं। असाबिआहुम, अपनी उंगलियां। फी आज़ानिहिम, अपने कानों में। मिनस सवाइकी, बिजली के कड़क से। हज़र अलमौत, मौत के डर से। हज़र अलमौत, मौत के डर से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला जो है मुहीतुन, इहाता करने वाला है। बिल काफिरीन, काफिरों का, और अल्लाह ताला इहाता करने वाला है काफिरों का, ठीक है। यकादु, यकादु का मतलब क्या होता है? करीब है। यकादु का मतलब क्या है? करीब है। अलबर्कु, ये बिजली, बिजली की चमक को क्या कहते हैं? बर्क, ठीक है। यख्तफु, उचक लेना, स्नेचेस, जल्दी से कोई चीज ले लेना किसी से, ठीक है। यख्तफु का मतलब होता है जल्दी से कोई चीज किसी से ले लेना, इसको उर्दू में कहते हैं उचक लेना, स्नेचेस, इंग्लिश स्नेचेस अवे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अबसारहुम, ये जमा है बसर की, अबसार क्या है? जमा है बसर की, आंख को कहते हैं, निगाह को कहते हैं। अबसारहुम यकादुल बर्कु, करीब है कि बिजली की चमक। यख्तफु, उचक ले। अबसारहुम, उनकी निगाहों को, उनकी बिनाई को क्या कहते हैं? उचक ले। कुल्लमा, कुल्लमा का मतलब होता है जब कभी, कुल्लमा का मतलब क्या है? जब भी, ठीक है। अजा, अजा का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, अजात, रोशन करना। अजात का मतलब क्या होता है?
रोशन करना, अजा का मतलब रोशन करना, जब भी रोशनी की उसने, लहुम उनके लिए, मशाऊ, मशाऊ का मतलब होता है चलने लगना, वो सब चलने लगा, वो चलने लगे, ठीक है। मशाऊ का मतलब क्या है? चलना। मशा यमशी, इसका मतलब होता है चलना। माशी, इसका मतलब होता है चलने वाला, माशी चलने वाला, ठीक है। फी ही, उसमें, व इजा, और जब, अजलमा, अजलमा का मतलब होता है अंधेरा छा गया, अंधेरा आ जाना, छा जाना। अलैहिम, उन पर, कामू, कामू का मतलब होता है कड़े रहना, कायम का मतलब होता है कड़े रहने वाला, कामू का मतलब होता है वो सब कड़े हो गए, ठीक है। वलव, वाव का मतलब होता है, और लव का मतलब होता है अगर, शाह, इसका मतलब होता है चाहे, अल्लाह, अल्लाह ताला, लजहबा, यहाँ पे दो अल्फाज है, एक है लाम है और एक जहाबा, एक है लाम। लाम का मतलब होता है यकीनन, लाम किसके लिए आता है? ताकीद के लिए, तो इसका मतलब होता है यकीनन। शाह जहाबा, जहाबा के बारे में बताया कि उसके बाद अगर बा आ जाए, इसका मतलब होता है ले जाना। वलव शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, लजहबा कि ले जाए, यकीनन ले जाए, बिसमईहिम उनके कान, कान को, बिसम, समा का मतलब होता है कान, हिम उनके, उनके कान को, वह अबसार, अबसार बसर की जमा है, आंखों को कहते हैं, हिम उनकी और उनकी आंखों को, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, आला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, आला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। तर्जुमा देखें, यकादुल बर्कु, करीब है कि बिजली की चमक, यख्तफ उचक ले, अबसारहुम उनकी निगाहों को, उनकी आंखों को, कुल्लमा अज़ा अलहुम, जब भी वो रोशनी करती है, यानी बिजली की चमक रोशनी करती है, लहुम उनके लिए, मशाउ फीही, तो वो उस रोशनी में चलने लगते हैं, व इजा, और जब, अज़लमा अलैहिम, उन पर अंधेरा छा जाता है, कामू, तो वो कड़े हो जाते हैं, वलव शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, लज़हब बिसमईहिम, तो ले जाए उनके कान, व अबसारिहिम, और उनकी आंखें, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, आला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। आला का मतलब होता है पर, कुल का मतलब होता है हर, शै का मतलब होता है चीज, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, बेशक अल्लाह ताला क्या है, हर चीज पर कादिर है। ये तर्जुमा समझ में आ गया आप सबको? तर्जुमे में कोई मसला तो नहीं है ना इंशाल्लाह? नहीं, जजाकल्ला जी। दोबारा मैं ये आखिरी आयत का कर लेता हूँ, ठीक है। ये वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, ये बात कह रहे हैं कि इंग्लिश में इनका, एंड अल्लाह इनकम्पासिस द डिसबिलीवर्स, एंड अल्लाह इनकम्पासिस द डिसबिलीवर, मुहीत का मतलब होता है इनकम्पासिस, ठीक है। यकादुल बर्कु, करीब है कि बिजली की चमक, यख्तफु अबसारहुम उनकी आंखों को उचक ले, यख्तफ का मतलब होता है उचक लेना, जैसे शेर होता है जब वो शिकार पे हमला करता है, तो अचानक वो ताक में इंतजार में बैठा होता है, वो अचानक एकदम से हमला करता है और उसको पकड़ लेता है शिकार को, तो उसको कहते हैं यख्तफ, ठीक है। तो
करीब है कि बिजली की जो चमक है वो उचक ले, ठीक है, उनकी आंखों को, यानी उनकी आंखों को खत्म कर दे। कुल्लमा, जब भी, अज़ा अलहुम, रोशनी उनके लिए होती है, मशौफी ही, तो वो उसमें चलने लगते हैं। वह इज़ा अफ़लमा, और जब अंधेरा छा जाता है, अलैहिम, उन पर, कामू, तो वो खड़े हो जाते हैं। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहे, लज़हब बिसमाईहिम व अबसारिहिम, तो ले जाए यानी ख़त्म कर दें उनके कान को और उनकी आंखों को। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, आला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जी, अब समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये तफसीर की तरफ आए, इन आयात की तफसीर हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। इन आयत की तफसीर जो है, वो देखेंगे। ये जो मुश्किल अल्फाज का मतलब मैं बताता हूँ, ये आप अपने पास लिख लिया करें। जो मुश्किल मुश्किल अल्फाज होते हैं, इनका जो मतलब मैं बताता हूँ, इनको आप लिख लिया करें। इससे ये होता है कि फिर बाद में दोहराने में आपके लिए आसानी होती है। इससे पहले सबक में हमने मुनाफिकीन की दो किस्में पढ़ी थी। हमने क्या किया था? मुनाफिकीन की दो किस्में पढ़ी थी। एक मुनाफिकीन की वो किस्म थी जिन्हें एतिकादी मुनाफिक कहते हैं, कि वो, यानी उनके अकीदे में निफाक था, वो दिल से अल्लाह ताला को मानते ही नहीं थे, ईमान कबूल नहीं किया था उन्होंने, लेकिन जुबान से वो क्या कहते थे कि हम मुमिन है। एक तो वो मुनाफिकीन के थे, ठीक है, और दूसरा जो मुनाफिकीन का ग्रोह था वो ये कि वो थे तो मुसलमान, लेकिन उनके अहमाल जो थे वो मुनाफिकत वाले थे, ठीक है, जिन्हें अमली मुनाफिक कहते हैं। एक को एतिकादी मुनाफिक कहते हैं और एक को अमली मुनाफिक कहते हैं, ठीक है। ये दो मिसालें हमने पढ़ी थी। अमली मुनाफिक की अलामत वगैरह हदीस की रोशनी में और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में मैंने आपको बता दिए थे, हदीस की रोशनी में और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में मैंने आपको बता दिए थे। तो ये पहली मिसाल जो है, मसलुहुम कमसलिल्लज़िस्तौक़द नारा, यहां से उन मुनाफिकों की मिसाल दी जा रही है जो इस्लाम के वाज़े दलाइल सामने आने के बावजूद निफाक की गुमराही में फंसे हुए हैं। इस्लाम के वाज़े दलाइल को आग की रोशनी से तशबीह दी। इस्लाम के वाज़े दलाइल को किससे तशबीह दी? आग के दला आग से। इस्तौकद नारा, इस्लाम की वाज़ेह दलाइल को किसके साथ मुशाबहत दी? आग की रोशनी, कि जिस तरह उस रोशनी से माहौल की चीजें साफ नजर आती आने लगती है, इसी तरह इस्लाम के दलाइल से हकीकत उन पर वाज़ेह हो गई। इस्लाम के दलाइल से हकीकत उन पर क्या हो गई? वाज़ेह हो गई। लेकिन फिर अपनी जिद और ऐनात की वजह से अल्लाह ताला ने ये रोशनी खत्म कर ली और वो देखने की कुव्वत से क्या हो गए? महरूम हो गए। वो क्या हो गए? देखने की कुव्वत से महरूम हो गए। चूंकि अल्लाह ताला ने उनके नेचर में लिखा था कि
ईमान की शमा जो है उनके दिलों में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में वो रही, आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो कहा कि हम अल्लाह पर ईमान लाए आखिरत के दिन पर। अब उन्हें मालूम हो गया था कि ईमान क्या चीज है, लेकिन सही तरीके से उन्होंने ईमान को कबूल नहीं किया, सिर्फ अपनी दुनियावी मकासिद के लिए, अपनी दुनियावी फायदे के लिए उन्होंने क्या किया, ईमान को ऊपर ऊपर से कबूल कर लिया, ताकि उनके माल की हिफाजत हो जाए, उनके जान की हिफाजत हो जाए। क्योंकि इस्लाम का कानून ये है, मन قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ लेता है, वो इकरार कर लेता है, فقد عصم مني ماله ونفسه, तो उसकी जान और उसकी माल और उसकी इज्जत और आबरू जो है वो महफूज हो जाती है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये ईमान तो कबूल कर लिया, लेकिन मकसद क्या था कि उनकी माल उनकी जान वगैरह की हिफाजत हो जाए। असल में वो ईमान कबूल करना नहीं चाहते थे, वो ईमान कबूल करना नहीं चाहते थे। तो उसी उन्हीं के बारे में फिर आगे फरमाया, ये जब अल्लाह ताला ने आग को उनके इर्द गिर्द रोशन कर दिया, आग को क्या कर दिया, फलम अज़ात मा हौलहु, रोशन कर दिया, तो अब उनके आसपास अराउंड में जो चीजें थी उनको नजर आने लग गई। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उस आग को खत्म कर दिया, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, यानी उनके आग को खत्म कर दिया, उनकी रोशनी को खत्म कर दिया, वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और अल्लाह ताला ने उनको अंधेरे में छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उनको अंधेरे में छोड़ दिया, तो वो रोशनी उनके लिए क्या थी, वक्ती तौर पर थी, वो खत्म हो गई। तो अब यहां पर जो अंधेरों का जिक्र है, एक है जुल्मा, अंधेरे को कहते हैं, तो जुलुमात जमा है, यानी बहुत ज्यादा अंधेरे। अब अंधेरों की मुख्तलिफ किस्में हैं, पहला अंधेरा जो था वो कुफर का था, पहली डार्कनेस जो थी वो क्या थी, कुफर की, कि वो जुबान से ईमान का इकरार करते थे लेकिन उनके बातिन के अंदर कुफर का अंधेरा भरा हुआ था, उनके बातिन के अंदर कुफर का अंधेरा भरा हुआ था। कुरान मजीद में जगह जगह आता है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, कि अल्लाह ताला ईमानदारों का वली है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर ईमान और हिदायत की रोशनी की तरफ ले आता है, जिसकी वजह से उनके दिल रोशन हो जाते हैं और उनके दिलों में बसीरत पैदा हो जाती है। एक अंधेरा क्या था, काफिरों के लिए, ये मुनाफिकीन के लिए कुफर का अंधेरा था। दूसरा अंधेरा वो धोखा दिया करते थे, धोखे का अंधेरा था, ठीक है, मकर और फरेब का अंधेरा था। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो मुमिनीन को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते थे, तो इसका अंधेरा दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा अंधेरा जो था वो झूठ बोलने का था, पहले हम पढ़ चुके बीमार कान यकज़िबून, वो कहते हैं कि हम मुमिन है, हालांकि ये तो सराहतन झूठ है, क्योंकि वो मुमिन नहीं थे। और चौथा अंधेरा जो था वो तान और तशनी करते थे, गालियां देते थे अहले ईमान को, अहले ईमान को अहमक कहते थे, बेवकूफ कहते थे, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, वो अहले ईमान को क्या कहते थे, बेवकूफ कहते थे। तो ये तान और तशनी का भी एक अंधेरा था। फिर आगे जहालत की दो किस्में हैं, आगे क्या है, जहालत की जो है दो किस्में हैं, एक को कहते हैं जहले बसीत, बा सीन या ता, जहले बसीत यानी जहालत बसीत, और एक होता है जहले मुरक्कब। जहले बसीत से क्या मुराद, कोई शख्स किसी चीज से नावाकिफ हो,
एक बंदे को मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है, एक बंदे को किसी चीज का नॉलेज ही ना हो तो उसे क्या कहते हैं, जहले बसीत। ठीक है, लेकिन जहले बसीत में क्या होता है, इस बंदे को जब उस चीज का नॉलेज हासिल हो जाएगा तो अब वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मसलन एक बंदे को मोबाइल के बारे में इलम नहीं है, मोबाइल उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, तो अब वो जाहिल है मोबाइल के हवाले से। ठीक है, लेकिन जब वो सीख लेता है तो ये मोबाइल इस्तेमाल करना आ जाएगा, वो जहालत जो है वो खत्म हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, जहालत बसीत, जहल बसीत जो खत्म हो जाती है। और दूसरी किस्म जो जहालत की है वो जहल मुरक्कब है। जहल मुरक्कब का मतलब ये होता है कि इंसान गलत बात को सही समझने लगे। इंसान किसको सही समझने लगे, गलत बात को सही समझने लगे, बुरे अकीदे को अच्छा ख्याल करे। ये बहुत खतरनाक वो चीज है, क्योंकि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। मसलन एक एक बंदा है, बीमार है, उसे मालूम है कि मैं बीमार हूं, तो वो कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाएगा, अपना इलाज कराएगा। तो ये जहल बसीत की मिसाल होती है। और एक दूसरा बंदा है, वो बीमार तो है लेकिन उसे पता भी नहीं है कि मैं बीमार हूं, तो अब वो कभी भी अपना इलाज नहीं करवा सकेगा, तो वो कभी भी अपना इलाज नहीं करवा सकेगा। तो ये मुनाफिकीन जो है, ये भी इनका पांचवा अंधेरा जो होता है वो जहल मुरक्कब का, कि वो अपने धोखे और फरेब को क्या कहते थे, अच्छा समझते थे कि हम मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो अंधेरे में मुबतला थे। और छठा अंधेरा माशी यानी गुनाहों का और शहवात का अंधेरा है। इताअत जो है, नेकी करना ये एक रोशनी है और गुनाह करना ये अंधेरा है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के अंधेरे जमा हो गए थे। वो क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म के अंधेरे जमा हो गए थे, जिसकी वजह से फहुम ला युबसिरून, वो कोई चीज देख ना सकते थे, वो चीज नहीं देख सकते थे। तो इन्हीं के बारे में आगे फरमाया कि सुमुन, ये बहरे हैं कि अपनी सलाहियत इस कदर खराब कर ली कि वो सही बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। बुकमुन, वो गूंगे हैं कि अपनी जुबान से कभी सच्ची बात नहीं निकालते, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। ओमयुन यानी वो अंधेरे हैं, यानी जाहिरी आंखें तो उनकी मौजूद है लेकिन उनके दिल जो है वो अंधे हैं, जो हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकते, ईमान और शिर्क में फर्क नहीं कर सकते, सुन्नत और बिदात उनके नजदीक बराबर है। ठीक है, तो आगे फिर फरमाया कि फहुम ला यरजिउन, कि वो अब कुफर में, शिर्क में, गुनाहों में इस कदर आगे निकल चुके हैं, फहुम ला यरजिउन, कि अब वो वापस नहीं आ सकते। अब उनकी वापसी की उम्मीद क्या है, वो खत्म हो चुकी है। जैसे एक बंदा मर जाए, एक बंदा क्या हो जाए, मर जाए, अब वो उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं होता कि वो ये सोचे कि मैं वापस आकर नेकी करूंगा। तो इसी तरह फहुम ला यरजिउन, अब ये जो मुनाफिकीन की ये जमात है वो वापस नहीं आ सकते ईमान की तरफ। ठीक है, तो आगे फिर औकसयिब मिनस समा से, पहले तो अभी आपको बताया कि मुनाफिकों की पहली मिसाल उन मुनाफिकीन से मुतालिक थी जो इस्लाम के वाज़ेह दलाइल सामने आने के बावजूद खूब सोच समझकर वो कुफर और निफाक का रास्ता इख्तियार किया हुआ था उन्होंने। अब जो है मुनाफिकीन के दूसरे ग्रुप की मिसाल दी जा रही है, जो इस्लाम के बारे में तजब्जुब का शिकार था, कंफ्यूजन के शिकार थे वो, कि जब इस्लाम की हक्कानियत के दलाइल उनके सामने आते तो उनका दिल इस्लाम की तरफ क्या हो जाता, झुक जाता, और वो इस्लाम की तरफ बढ़ने लगते, लेकिन जब इस्लामी अहकाम की जिम्मेदारियां, हलाल और हराम की बातें सामने आती तो वो अपनी खुदगर्जी की वजह से रुक जाते। तो यहां पर इस्लाम को एक बरसती बारिश के साथ तशबीह दी है, औकसयिबिन, इस्लाम जो है वो एक बरसती बारिश की तरह है जो आसमान से बरसती है। ठीक है, और इसमें कुफर और शिर्क की खराबियों का जो बयान हुआ है, यानी इस्लाम की तालीमात में जो कुफर और शिर्क की खराबियां बताई गई है, उसे अंधेरियों से तशबीह दी गई है, जुलुमात के साथ तशबीह दी है।
और कुफर और शिर्क पर आजाब की जो धमकियां हैं उन्हें गरज से तस्बीक दी है, किससे? रादुन से। तो कुरान मजीद में हक के जो दलाइल और हक को थामने वालों के लिए जन्नत के जो वादे किए गए हैं उन्हें बिजली की रोशनी से, जब ये रोशनी उनके सामने चमकती है तो वो चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनकी ख्वाहिशात की जुल्मत और अंधेरा उन पर आ जाता है तो वो कड़े हो जाते हैं। कामू, यानी जब कुरान मजीद कुफर और फिस्क पर आदाब की वाइदे सुनाता है तो ये अपने कान क्या कर देते हैं? बंद करके ये समझते हैं कि हम आजाब से महफूज हो गए। हालांकि अल्लाह ताला ने तमाम काफिरों को अपने घेरे में ले रखा है, ठीक है, अल्लाह ताला के आजाब से कोई भी बच नहीं सकता, अल्लाह ताला के आजाब से कोई भी बच नहीं सकता। तो ये मुनाफिकीन की दो मिसालें बताई है, मुनाफिकीन के अहवाल को समझाने के लिए ये दो मिसालें हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की है ताकि हमें मालूम हो जाए उनकी मिसाल कैसी है। तो इन दो मिसालों पर आप गौर कर लीजिएगा, बाद में इनका मुताला कीजिएगा और फिर गौर कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये कैसी मिसालें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकीन के तमाम अमाल से महफूज फरमाए और हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। तो इन आयात से हमें ये भी मालूम हुआ, इन आयात से हमें क्या भी मालूम हुआ, ये भी मालूम हुआ कि किसी भी बात के लिए उसकी वजाहत के लिए मिसाल बयान करना ये कुरान मजीद का तरीका है। मुनाफिकीन का जिक्र हुआ, मुनाफिकीन के जिक्र के बाद अब क्या बताया, मिसालें उनकी पेश करी ताकि इनकी मिसाल मजीद वाजे हो जाए, इनकी मिसाल क्या हो जाए, मजीद वाजे हो जाए, इनकी मिसाल क्या हो जाए, मजीद वाजे हो जाए हमारे सामने। ये तर्जुमा दोबारा एक मरतबा देख ले, मसलुहुम उनकी मिसाल, कमसलिल्लज़ी उस शख्स की तरह, इस्तौक़ादा नारा जिसने आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत पस जब रोशन कर दिया उस आग ने, मा हौलहु उसके आसपास को, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम तो अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, अल्लाह ताला लेकर चला गया बिनूरिहिम उनकी रोशनी को, उनके नूर को, वतरकहुम और उनको छोड़ दिया, फी ज़ुलुमातिन अंधेरे में, अंधेरियों में, ला युबसिरून कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सुम्मुन ये अंधे हैं, सुम्मुन का मतलब होता है ये बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, औम्युन अंधे हैं, फहुम ला यरजऊन तो अब वो वापस नहीं आएंगे, यानी कुफर से ईमान की तरफ नहीं आएंगे। ये मुनाफिकीन की पहली मिसाल जो एतिकादी मुनाफकत में मुबतला थे, ठीक है, अकीदे की मुनाफकत में मुबतला थे, अवकसिबिन या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती बारिश, फी जुल्मातुन उसमें अंधेरियां भी हैं, वरादुन गरज भी है, वबरकुन और चमक भी है, या जालूना वो डालती हैं, असाबियाहुम अपनी उंगलियां, फी आजानिहिम अपने कानों में, बिजली की कड़क की वजह से और खौफ मौत के खौफ की वजह से, वल्लाहु और अल्लाह ताला जो है, मुहीतुम बिल काफिरीन घेरे में लेने वाला है, अपने घेरे में लेने वाला है किनको, मुनाफिकीन को, काफिरीन को, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन और अल्लाह ताला घेरे में लेने वाला है काफिरीन को, यकादुल बर्क करीब है कि बिजली की चमक, यख्तफु अबसारहुम उनकी आंखों को उचक ले, उचक लेने से क्या मुराद, खत्म कर दे, कुल्लमा अज़ा लहुम जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर दी है, मशौ फीही वो उसमें चलने लगते हैं, वैसा अज़लमा अलैहिम और जब उन पर अंधेरा छा जाता है, कामू तो वो खड़े हो जाते हैं, वलौ शा अल्लाह और अगर अल्लाह चाहे, लज़हब बिसमाइहिम वअबसारिहिम तो उनके सुनने और देखने की सलाहियत को छीन ले, खत्म कर दे, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला आला कुल्ल शैइन क़दीर हर चीज पर क़ादिर है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर क़ादिर है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।